नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अरविंदो हॉस्पिटल के सामने चोरों से क्यों परेशान है कॉलोनी वाले। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के दिव्य विहार कॉलोनी का, जहां अज्ञात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें अज्ञात चोर घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे। रहवासियों ने बताया कि इसके पहले भी कई बार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। जब उनके अभी चोरी हुई तो पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ आवेदन लेकर मामला रफा दफा कर दिया, जिनकी शिकायत भी अभी पुलिस ने दर्ज नहीं की। फिलहाल जब डायल 100 को कॉल किया गया तो दो पुलिस वालों के जवान आए और थाने जाने का बोलकर वह भी निकल गए। जब रहवासी थाने पहुंचे तो वहां पर भी उनकी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर कैसे काबू पाती है। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। भैया, यहाँ पे कल रात को ना चोरी हो गई है, मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 2-3 बजे के बीच में, और मेरा पूरा सामान लॉक वगैरह तोड़ दिए हैं और 80,000 का कैश ले गए हैं और कुछ चांदी के जो सामान रखा हुआ था वो भी सब ले गए हैं। और दिव्य विहार कॉलोनी में आए दिन चोरी होती रहती है, मतलब अगर आप दो घर छोड़ के देखो तो यहाँ भी चोरी हो गई है। ये सामने भट साहब के घर से भी 4-5 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया है। वहाँ पर तिवारी जी के पीछे है, ये भट साहब जी खड़े हैं, इनके घर भी चोरी हो गया है। और कल चोरी करने के बाद शाम को 6:30 बजे भी उनका फुटेज देखा गया है, जिसमें कि वो सामने वाली आंटी के इधर 170 नंबर फ्लैट पूछ रहे थे, और 170 नंबर फ्लैट है भी नहीं, और उनसे ये भी पूछा कि ये गाड़ी आपकी है क्या। तो ये गाड़ी पूछने का क्या मतलब, वो जो फुटेज जो मैंने आपको अवेलेबल कराया है उस फुटेज में वो आदमी दिख रहे हैं, उनकी चाल अगर आप मैच करेंगे तो एग्जैक्ट वही आदमी है, बस अब उनको पकड़ना है। और यहाँ पे आए दिन चोरी हो रही है और सुरक्षा की जैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं। कुल कीमत कितने सामान है? मतलब 20-25 हज़ार रुपये चांदी की कीमत होगी और 80,000 रुपये बाइक का जोड़ा हुआ जो कैश था, जो कि वो 2-3 साल से जोड़ रही थी, तो उसका वो कैश चलेगा। उसमें आपने थाने में कंप्लेन करी तो क्या था? मैं कल 4 बजे गया था, पहले तो मैंने कल उनको फ़ोन लगा डायल 100 को, तो फिर वहाँ से एक मैसेज आया, तो मैंने ही आगे रखते उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने वो PCR वाले का नंबर दिया, उसको लगाया तो पहले वो बोलता है कि आप डायरेक्ट थाने जाओ और पहले वहाँ पर रिपोर्ट कराओ। तो फिर मैंने उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट बोलिए कि आप डिनाई कर रहे हैं क्या आने से, तो फिर उसके बाद वो एक व्यक्ति आए थे वो देख के चले गए। और उसके बाद फिर मैं थाने गया तो मैं व्यास जी और मनीष भाई हम 4 लोग गए थे, तो वहाँ पर बैठे रहे। फिर बहुत देर के बाद उन्होंने नहीं लिखी, तो फिर वहाँ पर एक केस आ गया था, एक गुड़िया का कोई केस था, तो वो उस केस के बारे में बोलने लगे कि इसमें जब तक ये नहीं होगा तुम्हारा नहीं लिखाएगा। तो उसमें हम लोग 8 बजे तक फिर बोलते कि नहीं आवेदन ले आओ, और ये आवेदन की प्रति उनने रख ली और बोले कि आवेदन दे के वो चले जाओ, मतलब कल आना। और मैंने हाँ रिसीविंग का भी बोला था कि मैंने आप इसको रिसीविंग दीजिए, तो एक वहाँ पर जो पुलिस वाले बोल रहे थे रिसीविंग देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे वाले बोले कि नहीं। इस संबंध में आपने उच्च अधिकारी से बातचीत करी है? उच्च अधिकारी से मतलब जो मीना जी थे वो उनसे करी थी कि भाई मेरे इधर चोरी हो गई, लेकिन वो शायद बिजी रहते हो। हाँ, TI साहब ने बोला था कि आवेदन दे दो, तो केवल आवेदन लिया। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं बलवती सिंह ठाकुर, दिव्य विहार कॉलोनी। दिव्य विहार कॉलोनी में रात को चोरी घटना सामने से किस प्रकार का पूरा क्या क्रम? ये कल दिव्य विहार कॉलोनी में थाना बाड़ा, वहाँ पर बलवंत ठाकुर रहते हैं, उनके घर पे ताला तोड़ कर चोरी की गई, उसमें कुछ चांदी और 20,000 रुपये की चांदी कुछ नकदी चोरी हुई है उनके, उसमें कुछ फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुए, पुलिस इसकी जांच कर रही है, शीघ्र हमको आरोप के अंदर पहुँची है। सर, पूर्व में भी लगातार यहाँ चोरियाँ हो रही थी, सर किस प्रकार की? कॉलोनी वासियों से मैंने बात की है, थाने पर भी आए थे और हम लोग उनकी कॉलोनी में घूमते रहे, तो वहाँ पर हम तक सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे, कॉलोनी वाले कुछ चौकीदार वहाँ पर तैनात करवाएंगे, पुलिस की गश्ती वहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे।